बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मेरे क्लिनिक के अंदर बेशुमार फीमेल्स ऐसी आई हैं जिनके एक दो या एक से ज़्यादा सिस्ट थे और सिस्ट भी काफ़ी बड़े साइज़ के, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम अरसे के अंदर 3 से 4 वीक्स के अंदर जो है उनके सिस्ट ठीक हुए अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मौजूद है होम्योपैथी के अंदर जो है ओवेरियन सिस्ट का। तो व्यूअर्स, आज की जो मेरी वीडियो है फीमेल्स की बहुत कॉमन प्रॉब्लम ओवेरियन सिस्ट के बारे में और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में है। तो मैं हूं डॉक्टर नसीम इकबाल गुमन एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर नसीम एंड डॉक्टर एक्स होम्योपैथी। व्यूअर्स, ओवेरियन सिस्ट स्मॉल फ्लूइड फील्ड सैक्स हैं या छोटे छोटे आप समझ लें कि बैलून्स जिनके अंदर पानी बड़ा हो, बिल्कुल ऐसा ही समझिए। और जिनकी वॉल जो हैं वो थिन होती हैं, थिन वॉल जो हैं सैक्स हैं, थैलियाँ हैं जिनके अंदर फ्लूइड भरा हो सकता है जैसे पानी हो, तो इनको हम ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। फीमेल्स के अंदर जैसे कि आप जानते हैं यूट्रस के दोनों तरफ फीमेल्स के जो हैं दो अदद ओवरीज होती हैं राइट और लेफ्ट पे, और इन ओवरीज का जो काम होता है वो एग्स की प्रोडक्शन यानी कि इनके अंदर अंडे बनते हैं और साथ जो है फीमेल हार्मोन्स पैदा करना जैसे कि एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरोन। डिफरेंट काजेज हो सकती हैं और ओवरी के अंदर जो बनने वाले सिस्ट हैं इनके साइजेस भी डिफरेंट फीमेल्स के अंदर डिफरेंट हो सकते हैं। फीमेल्स के अंदर जो हैं ओवेरियन सिस्ट जो हैं वो ज़्यादातर चाइल्ड बेयरिंग एज के अंदर बनते हैं और ये आफ्टर मीनोपास या महावारी बंद होने के बाद बहुत कम देखे जाते हैं, या यंग लेडीज़ के अंदर भी ओवेरियन सिस्ट बनते हैं लेकिन वो भी बहुत अनकॉमन है। तो कई टाइप्स हैं ओवेरियन सिस्ट की। फर्स्ट जो हैं जो नॉन पैथोलॉजिकल हैं जिनके पीछे कोई डिजीज़ काज नहीं होती उनको हम फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट कहते हैं, और फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट के अंदर जो पहली तरह के जो सिस्ट हैं उनको हम फॉलिकुलर ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। और जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि फॉलिकल्स जो होती हैं वो स्मॉल सैक्स या कैप्सूल्स होते हैं ओवरी के अंदर जिनके अंदर एग्स जो हैं वो बनते हैं। अब जब एग डेवलप होता है तो वो एग जो है मैच्योर होने के बाद उस फॉलिकल से या उस थैली से या उस सैक से या उस कैप्सूल से बाहर रिलीज़ होता है ओव्यूलेशन के वक्त में फर्टिलाइजेशन के लिए। अब किसी सूरत में अगर अब उस सैक से वो एग रिलीज़ ना हो और उस फॉलिकल के अंदर जो है फ्लूइड बढ़ता चला जाए तो वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आम तौर पे जो फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट होते हैं उनका साइज जो होता है वो 3 से 7 सेंटीमीटर, और ये अगर बढ़ते चले जाएँ तो ये 3 से 5 इंचेस के भी हो सकते हैं, और ये खुद बहुत समटाइम्स तो खुद बहुत रिमूव हो जाते हैं 1 या 2 मंथ के बाद, या 2 से 3 बार जब पीरियड्स होते हैं तो ये खुद बहुत वाश अवे हो जाते हैं, लेकिन समटाइम्स ये परसिस्ट करते हैं ओवरीज के अंदर। उसके बाद सेकेंड टाइप के जो सिस्ट हैं वो है कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट। अब कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट क्या होते हैं कि जब ओवरीज के अंदर जो है फॉलिकल से एग बाहर निकलता है तो वो जो फॉलिकल है जो एम्प्टी हो गई होती है वो खुद बहुत जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाती है, और जब वो श्रिंक होती है तो उस स्ट्रक्चर को हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो एम्प्टी फॉलिकल वो श्रिंक ना हो और उसके अंदर फ्लूइड बढ़ना शुरू हो जाए तो ये कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। अब कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट जो होते हैं वो उनमें से ब्लीडिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा पेन जो है वो हो सकती है उनकी वजह से, और इवन ये ओवरीज की ट्विस्ट होने का बायस भी बन सकते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट जो है इनका साइज़ जो है वो भी 4 से 5 इंच का हो सकता है। सेकेंड टाइप के जो व्यूअर सिस्ट हैं वो हैं पैथोलॉजिकल सिस्ट, और पैथोलॉजिकल सिस्ट के अंदर जो है डर्माइड सिस्ट आ जाते हैं। डर्माइड सिस्ट ऐसे सिस्ट होते हैं जो कि ओवरीज के टिश्यू से बनते हैं या एग से बनते हैं, और इसके अलावा इन सिस्ट के अंदर जो है वो हेयर्स हो सकते हैं, स्किन हो सकती हैं, या सर्टन अदर टिश्यूज़ भी हो सकते हैं, तो ऐसे सिस्ट को हम डर्माइड सिस्ट कहते हैं। इसके अलावा एंडोमेट्रियोमा जो हैं वो काज होते हैं एंडोमेट्रियोसिस की वजह से, और एंडोमेट्रियोसिस उस कैफियत को कहते हैं कि अगर रहम की अंदरूनी झिल्ली जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं वो अगर एंडोमेट्रियम के टिश्यूज जो हैं वो ओवरीज के अंदर ग्रो करना शुरू कर दें तो उससे जो है वो एंडोमेट्रियोमास बनते हैं, और एंडोमेट्रियोमास को हम जो है चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं। चॉकलेट सिस्ट इसलिए कहते हैं कि ये डार्क कलर के सिस्ट होते हैं, इनके अंदर डार्क कलर का फ्लूइड बड़ा होता है इसलिए इनको हम एंडोमेट्रियोमास भी कहते हैं। समटाइम्स फीमेल्स की ओवरीज के अंदर व्यूअर जो हैं बहुत ज़्यादा सिस्ट बनते हैं, उस सूरत में उस ओवरी को हम पॉलीसिस्टिक ओवरी कहते हैं, और बाज़ सूरतों के अंदर एक सिंड्रोम जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं फीमेल की ओवरीज के अंदर जो हैं बहुत ज़्यादा सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं। कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं फीमेल्स के अंदर सिस्ट
कैसे बन सकते हैं, कब बन सकते हैं, तो प्रेगनेंसी के अंदर भी सिस्ट बनते हैं। इसके अलावा जो सिस्ट हैं वो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की वजह से बन सकते हैं, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से बन सकते हैं, या पेल्विक इन्फेक्शंस, अगर कहीं पे इन्फ्लेमेशन होती है यूट्रस के अंदर, फ्लपियन ट्यूब्स के अंदर, तो उस वजह से भी जो है वो सिस्ट बन सकते हैं। व्यूअर्स, बात कर लेते हैं अब हम सिस्ट के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे डोमिनेंट सिम्टम जो होता है व्यूअर्स सिस्ट का जो है वो पेल्विक रीजन के अंदर या पेट के नीचे एक तरफ या दोनों तरफ फीमेल्स के जहाँ पर ओवरीज मौजूद होती हैं वहाँ पर सीवियर पेन हो सकती है, और वो पेन जो है समटाइम्स बहुत ज़्यादा शार्प पेन होती है, तो पहला सिम्टम होगा। सेकंड सिम्टम जो है वो लोअर बैक पेन और थाइज़ के अंदर दर्द का होना, पीरियड्स की इरेगुलरिटीज़ के पीरियड जो है वो इरेगुलर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर पीरियड्स के दरमियान में जो है वो स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरकोर्स के वक़्त जो है वो दर्द का होना वो भी शामिल है इन सिम्टम्स के अंदर। फीमेल्स की ब्रेस्ट के अंदर जो है वो टेंडरनेस हो सकती है, यानी कि पेन और दुखन का एहसास हो सकता है, बार बार पेशाब आने की हाजत हो सकती है, ब्लैडर को एम्प्टी करते हुए जो प्रॉब्लम आ सकती है वो भी जो है इन्हीं सिम्टम्स के अंदर शामिल हैं। तो व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं होम्योपैथी में इस्तेमाल होने वाली ओवेरियन सिस्ट के लिए मेडिसन्स। बहुत अच्छी मेडिसन्स हैं, जैसे मैं शुरू में बता चुका हूँ, फास्ट इफ़ेक्ट्स देती हैं, स्पीडी इफ़ेक्ट्स देती हैं, बहुत जल्द ओवेरियन सिस्ट जो हैं इससे डिसॉल्व हो जाते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से हमारी। तो पहली जो मेडिसिन है वो है लेकेसिस 200। तो लेकेसिस 200 जो है, अगर लेफ़्ट साइडेड सिस्ट हैं, सिस्ट जो हैं हेमरेजिक सिस्ट हैं और सिस्ट से ब्लीडिंग होती है, सिस्ट जो हैं बड़े साइज़ के ग्रो हो जाते हैं, मीनोपीजल पीरियड के बाद अगर सिस्ट होते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा काम कर सकती है, पेन हो सकती है, तो लेकेसिस 200 इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड मेडिसिन जो है हमारी है ओवेरियन सिस्ट के लिए वो है कोलोसिंथिस 200। कोलोसिंथिस 200 जो है, अगर ओवेरियन सिस्ट के अंदर दर्द बहुत ज़्यादा हो और इतनी शार्प पेन हो कि पेशेंट दर्द से दोहरा हो जाए, आगे को झुक जाए, अपनी बैली को पकड़े, तो उस वक्त हम कोलोसिंथिस 200 इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब पेन के एपिसोड हो तो उसमें कोलोसिंथिस 200 जो है दिन में 2 से 3 बार भी इस्तेमाल की जा सकती है। और लेकेसिस जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है, वो लेकेसिस 200 एक दिन छोड़कर एक दिन रात को सोते वक्त 2 से 3 कतरे लिए जा सकते हैं। थर्ड हमारी जो रेमेडी है वो है एपिस मेलिफिका 30। एपिस मेलिफिका 30 जो है बहुत अच्छा काम करती है ओवेरियन सिस्ट के अंदर, स्पेशली फॉलिकुलर सिस्ट के अंदर, जिनके अंदर जो है फ्लूइड फिल्ड जो सिस्ट हैं उनके लिए। और इसके अंदर जो है टेंडरनेस फील होती है, दुखन फील होती है ओवरीज के अंदर या ओवेरियन रीजन के अंदर, लेकिन इसके साथ जो है करैक्टरिस्टिक फीचर जो है वो एपिस मेलिफिका का, वो जलनदार या डंगदार दर्दें हैं, ऐसी दर्दें जैसे कि स्टिंग किया जा रहा हो, तो एपिस मेलिफिका बहुत अच्छा काम करती है। और एपिस मेलिफिका जहाँ पर भी कहीं पर बॉडी के अंदर फ्लूइड एक्युमुलेशन हो रही हो उसके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। तो एपिस मेलिफिका 30 को 2 से 3 कतरे 1 चम्मच पानी के अंदर दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद हमारी एक जो मेडिसिन है वो है थ्यूजा, और थ्यूजा जो है उसको लिया जा सकता है 30 पोटेंसी के अंदर भी, 200 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 mm के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थ्यूजा 200 अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसकी एक डोज जो है हर तीन दिन के बाद एक डोज 2 से 3 कतरे रात सोते वक्त ले सकते हैं। 30 में इस्तेमाल करेंगे तो 3 से 4 बार जो है इस्तेमाल कर सकते हैं 30 के अंदर। तो थ्यूजा जो है उन सिस्ट के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है कि जहाँ पर सिस्ट ओवरीज के अंदर जो है बार बार बन रहे हों। नेक्स्ट मेडिसिन व्यूअर जो है हमारी है वो एक और बहुत अच्छी मेडिसिन जो है वो सिस्ट के लिए वो है आरम में और नेट्रोनेटम। तो आरम में और नेट्रोनेटम जो है वो 6 के अंदर पोटेंसी के अंदर ये भी ली जा सकती है, वो भी 2 से 3 कतरे दिन में 3 से 4 बार। फिर हमारी एक मेडिसिन जो है सीपिया जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, फीमेल्स की बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली उन फीमेल्स के लिए जो लीन एंड थिन हों, कमज़ोर हों और उनको जो है पीरियड्स इरेगुलरिटीज़ रहती हों और वो थोड़ा सा सारो या ग्रीफ या गमगीन भी रहती हों, तो उनकी ओवेरियन सिस्ट के लिए, ओवेरियन पेन के लिए बहुत अच्छा सीपिया काम करती है। तो इसके अलावा हमारी मेडिसिन जो है केलिया डेटम, वो भी सिस्ट के लिए बहुत अच्छा काम करती है। एक और मेडिसिन है वो है कैलिब्रोम, वो भी सिस्ट के लिए ली जा सकती है। डिपेंड करता है कि सिम्टोमोलॉजी कैसी आ रही है, सिस्ट का साइज़ क्या आ रहा है, तो उसके मुताबिक जो है सिम्टोमोलॉजी जब वेरी करेगी तो मेडिसिन्स भी वेरी कर सकती हैं।
پھر امید کرتا ہوں میری آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے کمنٹس ہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر ان کو ڈال دیجئے۔ تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت پہ پھر سے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔